वेलकम बैक टू ट्रैवल स्ट्रीट दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं आपको लेके चलूंगा देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। आपने उसका नाम सुना भी होगा जिसका नाम है सहस्त्रधारा। ये बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, बहुत ही अच्छा एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो आज मैं आपको वहाँ पे लेके चलूंगा, उसको एक्सप्लोर करूंगा और उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अपकमिंग गर्मियों में अगर आपको ऐसी एक जगह की तलाश है तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और ये बहुत ही एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है फैमिली के लिए। तो टिकट मैंने ले लिया है, मैं ट्रॉली में बैठ भी गया हूँ और अभी आगे की तरफ चल रहे हैं। ऊपर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। 200 रुपीज का टिकट है ट्रॉली का, अगर आप आना जाना दोनों का लेते हैं, और लेना ही पड़ेगा क्योंकि पैदल जाने का कोई अदर रास्ता यहाँ पे नहीं है। वैसे अगर आप वाटर पार्क का मजा लेना चाहते हो तो गर्मियों में आप यहाँ पे आ सकते हो। बच्चों के लिए वाटर पार्क भी है और आप ये समझ जाओ कि मतलब सहस्त्र धारा जो धारा निकलती है ना, वहां पे आप आओगे, आप बहुत एंजॉय करोगे, बहुत अच्छी जगह है। ये ट्रॉली से जा रहा हूँ, देखो हम लोग कितनी ऊंचाई पे है, लगभग यहाँ से सब कुछ दिखता है। नीचे आपको वाटर पार्क भी दिखाई दे रहा है और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ओपन कैंटीन, एक्टिविटीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। नीचे अगर आप गाड़ी वगैरह से आते हो तो पार्किंग की कम्प्लीट फैसिलिटी है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इसके बाद में आपको यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, द्रोण गुफा भी है और उसकी एक मान्यता है कि जो भी उस पानी में नहाएगा उसको स्किन प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो वो दूर हो जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पास में ही है वो, ऊपर से देखो कितना खूबसूरत व्यू है और बहुत ऊपर है हम लोग, हाइट बहुत है, आप देख पा रहे हो। नीचे वो आपको दिख रहा हो, ये वाटर पार्क भी है बच्चों के लिए, बच्चों के बड़े भी इंजॉय करते हैं और चल अभी भी रहा है लेकिन गर्मियों में ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। यहाँ पे डीजे वगैरह भी है, देखो गर्मियों में यूजुअली ये चलते हैं और लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि नीचे वाटर पार्क है। नीचे आइए, डांस वांस कीजिए, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो व्यू कितना अच्छा है सामने, आप देखो कितने ऊपर तक पहाड़ दिख रहे हैं। अगर आप यहां आना चाहते हो तो देहरादून ISBT से ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, आप बस ऑटो किसी भी चीज़ से आप आ सकते हो और अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये जगह ट्रांसपोर्ट से बहुत ही अच्छे से इंटरकनेक्टेड है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार जगह है और बहुत ही अच्छा ये पिकनिक स्पॉट है। देखिए ये ओपन रूफ कैंटीन है, यहाँ पर आप अपना फूड इंजॉय कर सकते हो और व्यू का भी मज़ा यहाँ से आप ले सकते हो। नीचे से हम लोग आए थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जस्ट मेरे पीछे ये कैंटीन का एक पार्ट है जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आप देखिए। अगर आप सर्दियों में आए हो तो यहाँ पे आप धूप का मज़ा ले सकते हो, प्लस अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो खुले में बैठ के यहाँ पे खाना वगैरह या फिर जो भी आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो, प्लस फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराना चाहते हो तो पुराने टाइम का स्कूटर, एक हार्ट पीछे बना हुआ है और एक स्टैचू यहाँ पे है, तो अच्छी जगह है, आप आना यहाँ। देखो ये भी एक कैंटीन है मेरे पीछे और यहाँ पे कैंटीन बहुत सुंदर बनाए गए हैं, बैठने की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके बनाए गए हैं। हाँ, और यहाँ दोनों ही कैंटीन, चाहे वो बड़ी वाली कैंटीन हो या छोटी वाली कैंटीन हो, दोनों ही इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत नॉर्मल फूड और बहुत नॉर्मल प्राइस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इतना ल्यूक्रेटिव व्यू, आपका दिन यहाँ पे बहुत ही शानदार होने वाला है, आप बिलीव कीजिए। गोरखपुर
देखो है बढ़िया जगह कि नहीं। एक शानदार वाटरफॉल यहाँ पे, ये भी नेचुरल ही है, ये मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, और बच्चों के लिए तो समझ जाओ जैकपॉट है, जैकपॉट, अमेजिंग प्लेस। यहीं पे एक पुराना छोटा सा साई भगवान का टेंपल भी है, आप ये देखिए, और बहुत सुंदर इसको डेकोरेट किया गया, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और वहीं पे है और बहुत छोटा सा है ये, उसके बाहर आप देखो कितने सारे फ्लावर्स लगाए गए हैं और कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो दर्शन करने के बाद चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कि और क्या क्या है। ये फ्लोर वाइज बना हुआ है, मतलब पहाड़ को काट के बनाया गया, और काट के बनाया गया तो एक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। तो यहाँ से नीचे जाएंगे और ये कैंटीन के जस्ट साइड से ही रास्ता है उधर जाने का, तो चलिए देखते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों के लिए तो बिल्कुल ये परफेक्ट जगह है, और गर्मियों में फैमिली पिकनिक का अगर आप सोच रहे हो तो देहरादून में इससे अच्छी जगह आपको नहीं हो सकती है। बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि वो खुश हो जाएंगे, और ये एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए यहाँ पर एक झूला भी लगा हुआ है और चारों तरफ से बहुत सारी ग्रीनरी, ये एनिमल्स के स्टैचू है यहाँ पे, और बैठने के लिए इतना अच्छा और कंप्लीट इतना डेकोरेट करके लगाया गया है कि आप यहाँ पे आओगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। आप देख सकते हो, और काफ़ी बड़ा भी है, और गर्मियों में बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ पे, चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और वेदर भी अच्छा होता है, प्लस ग्रीनरी बहुत सारी हैं, तो बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप यहाँ पे आके। आप देखो आगे स्टेयर भी है और ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आप फर्स्ट से सेकंड पे जाना चाहो या टॉप पे जाना चाहो तो इजीली आप जा सकते हो। आप दोनों साइड ये स्टेयर्स वगैरह हैं, देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई भी चल रही है, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत जगह है। आपको बिल्कुल अगर देहरादून में हो और अगर आप प्लान कर रहे हो पिकनिक या बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे हो तो इससे अच्छी आपको जगह यहाँ पे फ़िलहाल नहीं मिलेगी, और इससे चीप। यहाँ का कैंटीन भी मैं गया था और बहुत एक्सपेंसिव खाना या फिर जो भी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं वो नहीं है, तो आ सकते हो। देखिए यहाँ पे एक मंदिर है और वो रामचरितमानस, मतलब हनुमान जी हैं और रामचरितमानस वो पढ़ रहे हैं। ये देखो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यही मैं बता रहा था। इधर से भी स्टेयर हैं और मैंने पीछे भी आपको स्टेयर्स दिखाया, अगर आप ऊपर जाना चाहो या नीचे उतरना चाहो तो ईज़िली आप कर सकते हो। और बच्चों के लिए यहाँ पे आप देखो आगे यहाँ पे अगर आप शूटिंग वगैरह करना चाहो, बॉटल्स लगा रखा है बांधा हुआ है आगे, आप कर सकते हैं। देखो कितना शानदार और कितना ब्यूटीफुल व्यू है ये। ये एक और छोटा सा पार्क बच्चों के लिए। मैं आपको लेके चलता हूँ स्पेस स्टेशन। ये है स्पेस स्टेशन दोस्तों, हम लोग स्पेस स्टेशन के अंदर है। देखिए थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए छोटा सा पार्क, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार और एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। अगर आप गर्मियों में प्लान करते हो आप या आपकी फैमिली या बच्चे यहाँ पे बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, तो देहरादून में एक मस्ट विजिट प्लेस है और बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अच्छी जगह है ये। ये जस्ट जो ओपन रेस्टोरेंट है यहाँ पे उसके पास ही है, डीजे वाली जो जगह मैंने आपको दिखाई थी, और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। देखिए दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही
शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना। यहाँ मैं ट्रॉली का वेट कर रहा हूँ और 3 ट्रॉली एक साथ आती हैं और 3 ही जाती हैं, तो उस पूरे रो में केवल 6 ट्रॉलीज हैं, 3 ऊपर आती हैं और 3 नीचे जाती हैं। आपको वो नदी दिख रही है ना, उसी में लोग गर्मियों में नहाते हैं। अभी मैं लेके चलूँगा उसको भी, मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी दूर से आता है। दोस्तों चलिए नीचे लेके मैं आपको चलता हूँ, और जो सहज सुधारा है जहाँ पे लोग गर्मियों में यूजुअली नहाते हैं और जिसके लिए लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि सर्दियों का समय है इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत ही बिल्कुल शांति है यहाँ पे। बट ये बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, आप आ सकते हो कभी भी। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। नीचे अगर आप जाते हो तो सहज सुधारा के पास ही यहाँ पे एक वाटर पार्क भी है, लेकिन उसके अगर आप वाटर पार्क में नहीं भी जाना चाहते हो फिर भी यहाँ पे आप वो सारे इंजॉयमेंट जो एक वाटर पार्क में होता है वो सारी चीजें आप कर पाओगे। तो अच्छी जगह आप आ सकते हो। बस ये ट्रॉली से जो आने जाने का ये 200 रुपीज चार्ज कर रहे हैं वो थोड़ा मुझे ज्यादा लगा। तो चलिए अभी नीचे की तरफ चलते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ और सहस्त्रधारा दिखाता हूँ, किसको सहस्त्रधारा बोलते हैं, और एक यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए आप मेरे वीडियो में। तो चलिए अभी मैं आपको लेके नीचे चलता हूँ और मैं आपको सहस्त्रधारा दिखाता हूँ। ये है वो, गर्मियों में पानी इसमें ज्यादा होता है और गर्मियों की तैयारी भी चल रही है। ये रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स होते हैं वो इसको थोड़ा और इक्वल करा रहे हैं कि कोई अंदर जाए तो पत्थर वगैरह उनके पैर में लगे ना, क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत रश होता है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और वो इन्जॉय करते हैं। और काफ़ी बड़ा है ये, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे एक छोटी सी अच्छी सी मार्केट भी है, खाने पीने की सारी फैसिलिटी, म्यूज़िक, डांस, ये सब यहाँ चलता है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए एक मार्केट भी है यहाँ पे, आपको एंटीक चीज़ें मिलेंगी। और इस पुल को क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे जॉयलैंड वाटर पार्क भी मिलेगा, जिसमें बच्चों को जो एंट्री फ़ी है वो 350 रखी गई है और बड़ों के लिए 450। और वहाँ से ये व्यू दिखाई देता है, और ये डिपेंड भी करता है और वैरी भी करता है डिफरेंट वेदर पे। अभी सर्दियों में इनका टिकट ये है, मे बी ये गर्मियों में बढ़ा दें क्योंकि उस समय यहाँ पे बहुत रश होता है। देखिए ये वो झरना है जिसके ऊपर से ऑटोमेटिक आप देख पाओगे ये बारिश जैसा होता है ना, वैसा पानी अपने आप आता है, और ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। और यहीं पे द्रोण गुफा भी है और गुरु द्रोण की यहाँ पे एक स्टैचू भी लगा हुआ है, देखो एक मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम है और इस पानी के झरने के पानी से अगर आप नहा लेते हो तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ये वो शिव मंदिर है और इसी के अंदर वो द्रोण गुफा भी है, प्राचीन द्रोण गुफा, तो मैं आपको लेके चलूँगा और दिखाऊँगा। उस गुफा में शिव जी का एक लिंग भी है, तो चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं। ये शिव जी का है और ये वो गुफा है, देखिए ये अंदर भी जाता है, बट मैं नहीं गया, सर्दियों का समय है और ये पानी इसमें भी ऑटोमेटिक गिर रहा है तो मैं गीला हो जाता। देखिए ये पानी गिर रहा है, और ऐसा बताते हैं कि इस पानी में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जिनको पोलियो है वो भी यहाँ पे आके नहाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे नहाने से ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो ये था हमारा सहस्त्रधारा का सफ़र जो यहीं समाप्त होता है, और मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए।